दोस्तों, अपने शरीर को लेकर हर कोई इंसान आजकल बहुत ही परेशान है, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे अपने शरीर पर ध्यान देने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। लोग फिट रहना चाहते हैं, परंतु समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस बिजी लाइफ स्टाइल में हेल्थ सप्लीमेंट बहुत उपयोगी होते हैं, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ हॉक के टैबलेट के बारे में, जो आपकी इस परेशानी का हल कर सकती है। आप अगर इस टैबलेट का सेवन करते हैं तो ये वाकई में आपकी ओवरऑल हेल्थ को ना सिर्फ ठीक करती है, बल्कि आपको कई बीमारियों से भी बचाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स की, तो हेल्थ हॉक के टैबलेट में आपको कई सारे विटामिन, खनिज और 8 से भी ज्यादा एमिनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। हेल्थ हॉक के टैबलेट मांसपेशियों को सिंचित करता है और उसके बाद शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हेल्थ हॉक के टैबलेट में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये इम्यूनोग्लोबुलिन के गठन को बढ़ाता है। ये टैबलेट खाने से इंसान का दिमाग पहले से ज्यादा काम करने लगता है, यानी कि ये दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। जिन लोगों को इस बात की शिकायत है कि वो वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उन्हें ये टैबलेट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये वजन बढ़ाने में मदद करती है। इस टैबलेट का रोजाना इस्तेमाल करने से खून का संचार बढ़ता है, जिसकी वजह से चेहरे पर ग्लो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये टैबलेट आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसलिए एक तरह से आप इसे एनर्जी बूस्टर भी कह सकते हैं। वैसे तो इस टैबलेट को रोजाना सिर्फ एक बार ही खाना है, और हमेशा ये टैबलेट खाना खाने के एक घंटे बाद ही लेनी चाहिए। परंतु ये टैबलेट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि गोल्स के हिसाब से डॉक्टर इसके सेवन में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, कीमत की बात की जाए तो ये टैबलेट एक स्ट्रिप में आती है, जिसकी कीमत लगभग 143 रुपए है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, उससे पहले इसके पैकेट पर लिखे सारे इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें। जितनी दवा आपको रोजाना लेने को कही गई होगी, उतनी ही दवा लें। जरूरत से ज्यादा डोज का सेवन ना करें।